उरूज सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कैसी हैं आप? मतलब कितने साल हो गए अब आपको और मुझे मिले? काफी हुए? काफी साल, 10-12 साल हो गए। दस बारह साल। अच्छा, 2-3 साल हुए। अच्छा, अब डॉक्टर रूज हैं ये, अब जाहिर है ये मोटिवेशन स्पीकर हैं। इनके फादर से मेरी बहुत दोस्ती है और मैं उन्हें हमेशा बड़ी कदर की निगाह से, डॉक्टर मोइज ये उनकी साहबजादी हैं। तो आई होप दैट यू ओके एंड योर डैड इज डूइंग ओके। उनको गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स टू हिम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स वी हैव गॉट द वंडरफुल उफेरा। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आज आप जल्दी तैयार हो गई, दैट्स रियली गुड, दैट्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज यूजुअली होता है उफेरा सबसे आखिर में आती है। उफेरा और फैसल दो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मेरी तरफ तो लाएंगे आप, लेकिन थोड़ा टाइम लगाइए। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, हम आप लोगों की तरफ आते हैं, लेकिन चूंकि सारिम भाई को जाना है इसलिए मैं इनसे कुछ बातें जरूर करना चाहूंगा। सारिम भाई, मुझे बताएं, आप शेल्टर जो बना रहे हैं, बनाने का ख्याल कैसे आया? सारिम भाई, अगर सिर्फ कल और परसों की बात बताऊं, कल और परसों, तो मैंने लड़की का बताया ना, कल एक खातून थी, माँ बाप नहीं थे, थोड़ा जहनी तौर पे भी सही नहीं थी, तो हालात से तंग, कहीं से वो दीवार से, बिल्डिंग से कहीं से कूद गई, मेरी नहीं कोई थी इसलिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो जो फोन आते तो पता चलता है ऑफिस से, कूद गई, उसको लेके गए अस्पताल, वहां वो खत्म हो गई। शेल्टर इन लोगों के लिए। इससे एक दिन पहले का आपको वाकया बताऊं मैं, एक यतीम बच्चा था, उसकी माँ ने फिर यानी सेकेंड मैरिज कर ली थी, बाप उसका पहले मर चुका, वो माजूर था, किसी इदारे में था, उधर उसकी डेथ हो गई। इदारे वालों ने माँ को कॉल की, जो उसका मियाँ था उसने इजाजत नहीं दी कि उसकी बॉडी घर लाई जाए या उसकी तदफीन में कोई मदद की जाए। महल्ले वालों ने हमसे रब्ता किया, हमने उसको एम्बुलेंस दी, एम्बुलेंस दे करके कब्र वगैरह करवा के उसको जो है ना तदफीन कराई। तो शेल्टर इन लोगों के लिए है, वो लोग जिनका कोई नहीं है। अच्छा, इसी में वो लोग भी हैं जिनके सब हैं लेकिन कोई भी नहीं है। तो ये हमारे माशरे की जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सब वही है। मैं अक्सर जल्लीकट अगर करता हूं ना, तो मैं बिला वजह नहीं कर रहा होता, वो चीजें शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रही होती ना देखने में सुनने में, मैं उसको फेस कर रहा होता हूं लम्हे लम्हे। मुझे पता है कि मैं सुबह से शाम किन किन चीजों को फेस करता हूं, फिर जहां मैं कुछ कर पाता हूं तो मैं करके मुतमईन हो जाता हूं, लेकिन जहां मैं कर सकता हूं नहीं कर पा रहा होता ना, उधर मैं तकलीफ में होता हूं। एक मियां बीवी आए थे, काफी पुरानी, मेरा तब से एक ना एक ख्वाब की तरह बस बन गया था कि ये मैंने करना है, ओल्ड होम जिसे कहते हैं, मैंने तो उसका पेरेंट्स होम नाम दिया है। तो वो सब कुछ था उनके पास, औलाद अच्छी नहीं थी और बहुत परेशान थे उससे, और वो माँ बल्कि कैंसर के पेशेंट भी थी। वो दोनों इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख के, मैं कैमरे में देख रहा था किस तरीके सीढ़ियों में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आ रहे थे, लेकिन अफसोस कि उस वक्त मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं थी कि मैं उनको रखता, उस वक्त उनको मैं बेहतर जिंदगी दे सकता। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी पाकिस्तानी कौम किताबों से इस जगह हम खड़े हो गए आकर के, कि आज अगर ऐसे लोग आते हैं या कहीं सड़क पे पड़े मिलते हैं तो उन सब को मैं जो हूं एक बड़ी तादाद में, क्योंकि जब बना रहे तकरीबन कोई 200 रूम्स का शेल्टर होम है, तो इंशाल्लाह वो लोग जिनका कोई है या वो लोग जिनके होते हुए भी कोई नहीं है, उन सब के लिए जो है ना एक बेहतर जिंदगी की तरफ लेके जाएंगे। हर चीज स्टैंडर्ड की होगी, और मकसद शायद हमारे अपने घर में वो चीजें नहीं होंगी, मेरी अपनी कोशिश होगी जो मैं उनको प्रोवाइड। अच्छा, मैं आपको वैसे एक और बात बताऊं, आपने सारिम भाई का घर देखा नहीं है, मैंने देखा है, जितने सादा ये यहां है ना, इससे भी ज्यादा सादा इनका घर है। और ये वो आदमी है जो हजारों लाखों लोगों का इस वक्त सहारा है। ये मुझे याद ही नहीं है कि मैंने सारिम भाई को कब सफेद सलवार कमीज के अलावा कहीं देखा है। पहले ये कभी कभी खेड़ियां पहन लिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्रें जा रही हैं, ये जो जरा खड़े हो आप, दिखाता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, इधर आइए, यहां आइए, ये जूते जरा गौर से देखिएगा, इसके पीछे एक कहानी है। ये मेरे और इनके जूते जरा मुलायजा कीजिए, दे दीजिए, दिखा दीजिए, आप यकीन माने बिल्कुल ऐसे ही एक पेयर जो सारिम भाई ने पहना मेरे पास भी है। अच्छा, मैं आपको रीजन बताता हूं, बैठिए प्लीज। कहने का मकसद ये नहीं है, पहले ये खेड़ियां पहन लिया करते थे ना, पेशावरी चप्पल पहन लिया करते थे,
लेकिन अब जैसे जैसे उम्र जा रही है वैसे वैसे इन पे आ गए और मैं भी इस पे आ गया हूँ। जरूरत पड़ रही है, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर बहुत वेल ड्रेस्ड हुआ करते थे, अभी भी हैं, लेकिन बहुत वेल ड्रेस्ड हुआ करते थे एक जमाने में, इज वेरी गुड लुकिंग मैन। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने देखा उनके जूते चेंज हो गए, वो जूते कुछ इसी किस्म के थे। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा पापा यार क्या मतलब, यू नो गेट सम न्यू शूज, कुछ दूसरे। तो मुझे कहने लगे यार मुझे पांव में तकलीफ होती है, एंड आई डिड नॉट नो कि वो कितना बड़ा जुमला था। अभी साल भर पहले मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह का एक जूते लेके आ गया और मेरे फादर ने देखा तो मुस्कुराए। तो उस रोज मुझे वो जुमला उनका याद आया कि मेरे पांव में तकलीफ होती है। सो यकीन जानिए, एक ऐसा शख्स जो सफेद सलवार कमीज में रहता है और एक ऐसी जिंदगी गुजारता है जिस पे उसका कोई हक नहीं है, इसकी न रात अपनी है, न दिन अपना है, न कोई लम्हा अपना है, न कोई शाम अपनी है, इसके अपने जो इसके हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, इसका अपना पूरा पाकिस्तान है। तो सारिम बर्नी का नाम लिखिए, बैंक में चले जाइए, आप सारिम बर्नी का नाम जब इस पे गूगल पे करेंगे ना सर्च, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन सारिम बर्नी ट्रस्ट को जरूर पैसा दीजिए, मैंने इनके साथ बेतहाशा काम किया है और मैं पूरा वाउच करता हूं इनको कि इनसे बेहतर जगह आप स्पेंड नहीं कर सकते। शायर भाई आपने अभी जिक्र कर दिया तो जिक्र कर रहा हूं, अक्सर वो जो है ना आपके जो पूरा पूरा दिन टीवी चैनल्स पे घरों को इसको उसको दिखाते हैं तो कभी सोचते भी अच्छा चलो दिखाएं, तो हम कहते हैं कि दिखाएं क्या अंदर, क्योंकि हमारा घर ऐसा है ही नहीं जो हम पब्लिक कर सकें। लोग समझते होंगे कि बहुत कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी बता दूं कि मुझे गरीब नहीं समझे कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ जिसे कहते हैं, लेकिन हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी अगर रूम की आप बात करें ना, यकीन जाने पूरा कलर फटा हुआ है चारों तरफ से, पूरा कलर बकायदा जैसे पापड़ियां बन के नहीं उतरता, अगर मैं आपको तस्वीर खींच के भेजूंगा देखिएगा, तो हम किसी को बुलाते ही भी कतराते हम तो, और हमारे पास टाइम भी नहीं होता। अभी मैं आज अब क्योंकि रमजान है देर से निकलता हूं, एक बजे शूज की बात कर रहे हैं ना, अभी एक बजे पहने मैंने अभी दोपहर में, अब ये रात गुजारने के बाद जब सुबह होगी ना 6:30 बज रहे होंगे तब ये जाके शूज उतरेंगे मेरे पांवों से। तो बड़ा एक मकसद, टाइम बहुत है लेकिन किधर जा रहा है वो मेरी जात पे नहीं है। लोगों को मैं यही कहता हूं कि अगर शौहरत चाहिए हो मुझे, अगर पैसा चाहिए हो मुझे या टिस्टोस चाहिए हो मुझे, तो फिर मेरे पास सियासत के बहुत सारे रास्ते, हर पार्टी में मेरे लिए जगह मौजूद है, मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन वो सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मौजूद है आपकी जगह पर नहीं, मकसद ऑफर्स है ना मेरे पास, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मैं जा सकता हूं अगर मुझे बस शोहरत चाहिए हो या पैसा चाहिए हो, लेकिन मुझे ये दोनों चीजें नहीं चाहिए। कभी कोई कहते भी ना भाई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, मैं कहता हूं भाई सेलिब्रिटी नहीं है हम, कोई मकसद आर्टिस्ट थोड़ी हम, हमें अल्लाह ने एक इज्जत दी हुई है, एक नेक काम कर रहे हैं, एक लोगों के लिए बेहतरी का काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा एक इज्जत से लोग पुकारते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। हो सकता है कि आप मेरे सवाल से आप चिढ़ ना जाएं। नहीं नहीं, हम चिढ़ते किसी से भी नहीं है, हम तो किसी नहीं है ना। नहीं नहीं बोले सर। क्या ऐसा लगता है आपको कि कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार अब ये ट्रस्ट की जरूरत रही नहीं, अब क्या करें? देखें, ट्रस्ट की जरूरत हमेशा रहेगी वैसे, हाँ इसका लेवल बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल ये जो हमारी पब्लिक है ना, ये बैठी हुई भी और देखने वाली भी, इन्हीं को सुनवाना, ये उससे बनता है क्या आप अपने माशरे को अपने लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, उनका एहसास उनका ख्याल करेंगे, अगर वो करेंगे तो ये शेल्टर को हम बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, लेकिन अगर उसी जगह खड़े रहे तो सिर्फ हम तबाही पे जाएंगे।